जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। नमस्कार मेरे मित्रों, आजकल जॉब साइट्स में बहुत देखा गया है कि बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं और ये कहते हैं कम इन टू योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आप अपने नंबर और ईमेल आईडी पोस्ट करते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपने देखा होगा कि आपने जितनी जगह भी पोस्ट किए होंगे अपने नंबर या कमेंट किए होंगे अपने नंबर, आपको मोस्टली रिप्लाई नहीं आता है। क्यों नहीं आता है और ये किस तरह का स्कैम है आज के समय में, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा और आप ऐसी गलती दोबारा कभी मत करिएगा। मैं अंकित कुमार, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित द केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। लेट्स मूव ऑन। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो घंटा आइकॉन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालते हैं आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और जेन्युइन जॉब देखना चाहते हो तो आप मेरे FB पेज जिसका नाम है EGS ईजी जॉब सीकिंग को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको जेन्युइन पोस्ट मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे कमिंग टू योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर स्कैम बन गया है। देखो मेरे दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी जेन्युइन पोस्ट होती है वहां पे ये कभी नहीं कहा जाता, मोस्टली 99% ये नहीं कहा जाता कि आप अपना मोबाइल नंबर या फोन नंबर आप ड्रॉप करो कमेंट बॉक्स में। इंस्टीड ऑफ दैट वन, दे विल प्रोवाइड यू द पर्टिकुलर ईमेल आईडी वेयर यू कैन सेंड योर प्रोफाइल। लेकिन क्या होता है, ये लोग जो पोस्ट कराते हैं आपसे कि भैया अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी पोस्ट करिए, इनका क्या टारगेट होता, आज मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए ईमेल आईडी और नंबर कमेंट करवाते हैं ताकि वो गर्ल्स का नंबर पिकआउट कर सके। अब वो क्या करते हैं कि आप हजारों नंबर जब उसको आते हैं तो उसमें देखते हैं भैया आहा लड़की लड़की कौन है लड़की भाई, लड़की लड़की का नाम पिक करते हैं और उनको मैसेज करते हैं, हाँ भैया हम आपको जॉब दिला देंगे। कुछ लड़कियां इनके ट्रैक में आ जाती हैं, फिर वही बाद में आपको पता है कि कहानी क्या होती है, प्यार मोहब्बत वहां तक चली जाती है। तो आज से गर्ल्स, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आज से आप अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में कभी भी पोस्ट मत किया करिएगा, क्योंकि आपके पोस्ट करने से ही ऐसे मजनू लोगों को बढ़ावा मिलता है जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को जॉब के नाम पे कुछ भी करवाया जा सकता है। सो प्लीज इन चीजों से आप बचिए। अब दूसरी चीज क्या फंसती है, जनरली क्या होता है कि जो नई वेबसाइट लॉन्च होती है, ओके, वो लोग क्या होता है, उन लोगों को अपने साइट पे हिट करवाना होता है, साइट पे वो हिट करवाना होता है कि इतने यूजर्स ने हमारी साइट को हिट कर दिया। तो उसके लिए वो करते क्या है, उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका हो गया है, एक नॉर्मल सा जॉब, फेक जॉब क्रिएट कराओ कि भैया फ्रेशर्स ओपनिंग है, ये है ये है, 10 लाख का 20 लाख का पैकेज या 2-4 लाख का जो भी पैकेज। अब क्या कहेंगे, उसमें क्या कहेंगे कि या तो आप एक लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक कराने के कारण वो आपको अपने पेज पे नेविगेट करा लेते हैं, और नेविगेट कराने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई, वो अपने ही साइट पे अप्लाई करवा लेते हैं। जनरली वो जेन्युइन पोस्ट नहीं होती है, लेकिन आपकी सारी डिटेल वहां पे फिल हो जाती है जिसके कारण उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर वो लिंक में नहीं क्लिक करवाते हैं तो करते क्या है, आपका जो ईमेल आईडी है, जो आपका फोन नंबर है, वो अपने डाटाबेस में वो जाके सेव कर लेते हैं। अब इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज बेचने में किया जाता है। जिन कंपनियों को हर पर्सन का डाटा चाहिए होता है, डाटा में केवल ईमेल आईडी और फोन नंबर ही मेन होता है, वो इनसे कंपनियों से खरीद लेती है। तो ये क्या होती है, कुछ कंपनी इनको बोलते हैं डाटा कलेक्टर कंपनीज, ये आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी से डाटा कलेक्ट करते हैं। सो मेरे दोस्तों, अगर आज से आपको ऐसी कहीं भी पोस्ट दिखती है तो प्लीज अपनी बेसिक डिटेल आप वहां पे पोस्ट मत करो, रेदर देन यू कैन आस्क फॉर द ईमेल आईडी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, मैं भी जब फ्रेशर था ना, मैं भी सेम करता था, मैंने कितने जगह कमेंट किया अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर कि शायद कोई बंदा या बंदी मेरे प्रोफाइल को वो रेफर कर सके। लेकिन एक सोचने वाली यही बात है कि अगर ईमेल आईडी
और फोन नंबर से ही आपकी प्रोफाइल अगर जज होती। अरे भाई ईमेल आईडी फोन नंबर से आप कैसे किसी को जज कर सकते हो यार कि आपका प्रोफाइल मैच करती है रिक्वायरमेंट से कि नहीं करती। ये सब सिर्फ आपकी डिटेल कलेक्ट करने के लिए होता है। और लड़कियों को खासतौर पर जब कोई लड़की कमेंट कर देती ना उस पर, भैया आप एज अ लड़के आपको कॉल आए ना आए उस लड़की को कॉल जरूर जाएगी उस बंदे की तरफ से। हाँ आई कैन प्रोवाइड यू जॉब, उनका अप्रोच ही होता है मैं आपको जॉब प्रोवाइड करा सकता हूं अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो। ये अप्रोच से ही वो लोग लड़कियों को मैसेज करते हैं या लड़कियां उनको मैसेज करते हैं, क्योंकि लड़कियां भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की चाल ऊपर होती हैं। वहां पे क्या करती है, वो जाड़ी जाके उनसे पूछने लगती है। अब वो बंदों को मौका मिल गया कि अब हम उनसे अप्रोच करें, वो क्या कहते हैं कि भैया हम आपको जॉब दिला देंगे। अरे मजनू टाइप के लोगों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है। ओके कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है कि जो तुम किसी को जॉब दिला दोगे, तुम सिर्फ गाइड कर सकते हो। यहाँ जो भी लोग किसी की भी हेल्प करता है वो सिर्फ गाइड कर सकता है, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन और तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो मेरे दोस्तों प्लीज आज से ऐसे लोगों से बच के रहो और अपनी बेसिक डिटेल को पोस्ट मत करो। तो मेरे दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और लोगों को जानना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप अच्छी जॉब ओपनिंग की तलाश में हो तो आप मेरा एफबी पेज EJS इजी जॉब सीकिंग को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सिर्फ जेन्युइन पोस्ट मिलेगा। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानियां हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।